शायर कहते हैं, एक उम्र से फरेब सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हैं हम। शायर को तो नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी तो हम जा रहे हैं आज KL, और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मलेशिया में ट्रेन का सफ़र। Assalamualaikum and welcome back to my channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे, और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत सारा वेलकम। और आप लोगों ने करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर लाजमी करना है, जैसे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहते हैं और इतना सारा प्यार भी देते रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो आज हम जा रहे हैं KL, और अभी मैं अपने भाई का वेट कर रही हूँ यहाँ पे, और जब वो लोग आएंगे तो फिर हम स्टेशन के अंदर जाएंगे। जी तो ये हमारे एरिया का स्टेशन है, अब हम अंदर चले गए हैं और हमने जो हमारा कार्ड था उसके अंदर बैलेंस करवा लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कार्ड लगाऊंगी और आगे जो डोर होगा तो छोटा सा वो ओपन हो जाएगा और फिर मैं आगे को चली जाऊँगी, ठीक है। ये कार्ड लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो डोर्स जो होते हैं छोटे छोटे वो बंद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी ट्रेन है जो कि आ चुकी है। ये ट्रेन का पहले बाहर से व्यू देख लें, फिर मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, ट्रेन के अंदर की कुछ सूरत हाल यूँ हैं जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, कहीं पे बड़ी सीट लगी होती हैं, कहीं पे छोटी सीटें लगी होती हैं, और कहीं पे जस्ट बेंच बने होते हैं, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी लक है, जहाँ पे आपको सीट मिल गई मिल गई, ठीक है, अदरवाइज़ कभी कभी तो सीट भी नहीं मिलती। और वैसे ये कोविड की वजह से जो है काफ़ी रश कम है, वरना बहुत रश होता है, आपको कभी सीट नहीं मिलती, बस खड़े होना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जो था ना रश बहुत कम था कोविड की वजह से। अच्छा, ये सारे स्टेशन के नेम लिखे हुए हैं और ये हर ट्रेन के हर दरवाजे के ऊपर ये आपको मिल जाएंगे, स्टेशन के सब स्टेशन के नेम लिखे हुए मिल जाएंगे। इससे आसानी भी हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन आपका है, या आपका स्टेशन गुजर गया है, या आपका स्टेशन आने वाला है, या ये ट्रेन आपके स्टेशन तक जाएगी या नहीं जाएगी, सब आपको पता चल जाता है। चुकी हूँ और अब मैं सेम वैसे ही करूँगी, कार्ड लगाऊँगी, डोर ओपन होगा और बाहर चले जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आजकल कुछ रश नहीं है यहाँ पे, वरना बहुत रश होता है, ठीक है। अब हम ये सामने, अब आप देख रहे हो ये सारा KL सेंट्रल है और कुछ रश नहीं है यहाँ पे, वरना बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अच्छा, और एक और बात, यहाँ पे ना एक मॉल का भी रास्ता निकलता है, तो उस मॉल की भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, सो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और ये वही रास्ता है जहाँ से भी कार्ड लगा के मैं बाहर को आई हूँ। अच्छा, और एक और बात मुझे आप लोगों से करनी थी कि अगर आप लोग मलेशिया में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो भी है ट्रेन का
वहाँ की ट्रेन्स का, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को जो है कैसी लगती हैं अपने कंट्री की ट्रेन्स, ठीक है? वो मेरे साथ ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा नेफ्यू है, वो खेल रहा है, पर ये सामने वही मॉल है जिसके भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। जी तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल करें सब्सक्राइब, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो भी कर लें। और बाकी बस अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, सब का ख्याल रखें, खुश रहें और खुश रहने दें।